नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। रविवार का दिन था, दोपहर करीब 1 बजे थे। छोटे भाई धर्मेंद्र केवट का फोन आया। बिना ज्यादा बात की उसने बोला, भैया ट्रेन आ रही है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैं उसे मना कर रहा था। मैंने कहा, धर्मेंद्र ट्रेन के सामने से हट जा, लेकिन वो नहीं माना। मैं चिल्लाता रहा, उसने एक नहीं सुनी। आखिरी बार भी यही सुनाई दिया, भैया ट्रेन आ रही है, इसके बाद एक चीख सुनाई दी और फिर फोन बंद हो गया। दिल पर पत्थर रखकर छोटे भाई के शरीर के टुकड़ों को रेलवे ट्रैक पर अपने हाथों से समेटा था। जबलपुर में मड़े के रहने वाले धर्मेंद्र 40 वर्ष ने ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लिया था। रविवार दोपहर आखिरी बार उसने बड़े भाई जय केवट की कॉल किया था। उसने बताया कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी के मायके जाने से परेशान था, वह डिप्रेशन में आ गया था। पत्नी मायके से आने के लिए मना कर रही थी। कहने के बाद भी ससुराल आने के लिए उसने हमेशा मना ही किया। धर्मेंद्र की मौत के बाद परिवार सदमे में है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।